हमारे शो में जैसे आपको पता होगा अभी गंगा और सागर दोनों के बीच में चैलेंज चल रहे हैं, जो कंपटीशन जीत जाएगा, अगर जो भी जीत जाएगा बच्ची उसके पास रहेगी, अगर गंगा हार जाएगी तो गंगा इस घर में आ जाएगी हमेशा के लिए, और अगर सागर जीत जाएगा तो भी गंगा जाएगी. इट्स द सेम थिंग. या बच्ची के लिए नहीं चल रहा है एक्चुअली. बच्ची को तो कोर्ट के हिसाब से सागर जीत ही चुका है, लेकिन सागर ये चाहता है और हम सब ये चाहते हैं कि गंगा अब हमारे घर में वापस आ जाए ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए. तो वी आर ट्राइंग. बच्ची सागर के पास आ चुकी है, लेकिन सागर ये चाहता है कि अब गंगा भी इस घर में आ जाए. तो हम लोग कुछ ऐसे गेम्स रख रहे हैं जिससे कुछ दिन वो घर पे रह जाए ताकि उसे भी अच्छा फील हो कि इट्स अ कंप्लीट फैमिली. तो वही कोशिश है, क्योंकि सागर को खाना बनाना नहीं आता है और मैं उसको सिखा रही होती तो मैं पकड़ी जाती हूँ. तो फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि हम बाहर से खाना लाके चीटिंग करते हैं और जीत जाते हैं, बट पकड़े जाते हैं. मैं सागर के सपोर्ट में हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि गंगा इस घर में वापस आ जाए. सागर पॉजिटिव वे के लिए फाइट कर रहा है, वो चाहता है कि गंगा वापस आ जाए. मुझे सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं हार्डली कोई कैश रखती हूँ. जिस दिन ये न्यूज़ आई उस दिन मेरे घर पे आई थिंक 1000-2000 रुपीज़ थे, और मेरा सारा ट्रांजैक्शन कार्ड से होता है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी. बट हाँ, मुझे देख के बुरा लग रहा है क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जो डेली कैश यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है. बट ठीक है, किसी बड़े अच्छे काम के लिए छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है.